कोई ऐसा जीवन साथी चाहता है जो उसे जिंदगी भर प्यार करे और उसके प्रति वफादार रहे। आप कई चीजों को देखने के बाद ही अपना पार्टनर चुनते होंगे, लेकिन अगर आप सबसे अच्छे पति की तलाश में हैं, तो फिर आपको अपने पार्टनर की राशि भी देख लेनी चाहिए। हर राशि के जातकों का स्वभाव अलग अलग होता है और इससे उनकी मैरिड लाइफ पर भी असर पड़ता है। तो चलिए बताते हैं कौन से राशि के जातक सबसे अच्छे पति साबित होते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कर्क राशि वालों की। जब बात सबसे अच्छे पति की हो तो कर्क राशि के जातकों का कोई तोड़ नहीं है। इस राशि के जातक परफेक्ट हस्बैंड साबित होते हैं। सभी राशियों में से इस राशि के जातक सबसे अच्छे पति साबित होते हैं। इस राशि के जातक कमिटमेंट करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं। आप जिससे प्यार करते हैं उनके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होते हैं। आप बहुत ही वफादार होते हैं और इसलिए इनके साथ रिश्ता बहुत लंबे समय तक चलता है। जन्म जन्मांतर तक यदि आपका विवाह है तो चलता है इनका रिश्ता। कर्क राशि के जातकों का स्मार्ट लुक, बोलने का आकर्षक अंदाज और हमेशा सकारात्मक व्यवहार करना इन्हें बेस्ट हस्बैंड बनाता है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इनका यह अंदाज जीवन भर ऐसा ही रहता है, ये कभी किसी के लिए बदलते नहीं है। चलिए बात करते हैं अगली राशि तुला राशि वालों की। तुला राशि के जातकों से ज्यादा प्यार और रोमांस में कोई आगे नहीं रहता है। आप अपने पार्टनर की भावनाओं को बखूबी समझते हैं और उनका हर हाल में सम्मान करते हैं। तुला राशि के जातक अपने पार्टनर का बहुत ख्याल रखते हैं। केयरिंग पति की जितनी खासियत होती है वह इनमें सबसे ज्यादा होती है। अपनी पत्नी का ख्याल रखना, एक बच्चे की तरह उसकी देखभाल करना, उसके लिए छोटे छोटे सरप्राइज तैयार करना, यह सब बातें इस राशि के जातक को बेस्ट हस्बैंड बनाती हैं। चलिए बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वाले अपनी करिश्माई व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर गजब का होता है और ये हर परिस्थिति को हैंडल करना जानते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी खूबी इनकी वफादारी और कमिटमेंट है। तो चलिए अब बताते हैं बाकी राशि के पुरुष कैसे पति साबित होते हैं। सिंह राशि के पुरुष प्यार जताने में पीछे रहते हैं। ये अपनी भावनाओं को अपने मन में ही रखना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए इनके पार्टनर को कई बार निराशा होती है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों को प्यार करने के साथ साथ जताना भी खूब आता है, इसलिए वो एक भी मौका खाली नहीं जाने देते। जब भी उन्हें लगता है कि प्यार जताने की जरूरत है तो कुछ नया कर डालते हैं। चलिए बात करते हैं अगली राशि मीन राशि वालों की। जो भी लड़कियां अपने लिए आउट ऑफ द बॉक्स यानी क्रिएटिव और इंटरटेनिंग पति चाहती है, वो मीन राशि के लोगों से शादी कर सकती है। ऐसे पति बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनकी पत्नी उनकी किस बात से खुश होगी। चलिए बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि के जातक उतने अच्छे पति साबित नहीं हो पाते हैं। ये वादे तो करते हैं लेकिन कई बार उनसे मुकर भी जाते हैं, इनमें कमिटमेंट की कमी होती है। चलिए बात करते हैं अगली राशि मकर राशि वालों की। मकर राशि के लोग बहुत फैंटेसी में नहीं रहते हैं, वो आज से ज्यादा भविष्य के बारे में सोचते हैं। इस तरह के पति अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करके चलने वाले होते हैं। अगर आप कल्पना और फैंटेसी पसंद करती हैं, तो फिर आपको इस राशि के जातकों से दूर ही रहना चाहिए। भविष्य सुरक्षित रखना है तो मकर राशि के जातक से शादी कर सकती हैं। चलिए बात करते हैं अगली राशि वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वाले बड़े मनमौजी किस्म के होते हैं। किसी और से सलाह लेना या अपनी हर बात अपनी पत्नी को बताना इन्हें अपने अपमान की तरह लगता है। अगर आप इससे समझौता करने को तैयार हैं तो फिर इनसे शादी कर सकती हैं। चलिए बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वाले डूब कर प्यार करते हैं, ये आपको खुश रखते हैं लेकिन कई बार मूडी भी हो जाते हैं। इनके ज्यादा प्यार से आप कई बार इरिटेट भी हो सकती हैं और कई बार इनके खराब मूड का शिकार भी। चलिए बात करते हैं अगली राशि धनुराशि वालों की। धनुराशि वाले पुरुषों को एक ही के साथ बंधे रहना पसंद नहीं होता, वे घुमक्कड़ किस्म के होते हैं। इन्हें कमिटमेंट से भी दिक्कत है, इसलिए ये इन्हें अच्छे पति की लिस्ट में नहीं रखा जा सकता। चलिए बात करते हैं अगली राशि कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वाले पुरुष अपने सपनों और काम के लिए बहुत गंभीर होते हैं। उनके लिए उनके काम से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता। अगर आप दूसरी प्राथमिकता बनने के लिए तैयार हैं तो कुंभ राशि वालों से शादी करें। देखिए हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट वन स्पेशल रिपोर्ट।